care. I don't wanna know what the world has. Very good morning to all of you. आज है संडे और हम हो चुके हैं रेडी. मैं, आलोक और शांभवी सब रेडी हो चुके हैं और हमें जाना है. शांभवी का कथक रियाज स्टेशन है तो उसके लिए हमें जाना है. यहाँ से 1 आवर लगेगा उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, तो फिर हमें निकलना पड़ेगा फटाफट. अभी 10 o'clock हो रहा है, 11 o'clock तक हमें पहुँचना ही पड़ेगा. और गुड मॉर्निंग, जल्दी चलते हैं तो फटाफट चलते हैं और फिर जैसा होगा मैं अपडेट करूंगी. हेलो फ्रेंड, आज मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ इनके ब्लॉगिंग में. सभी जा रहे हैं संभवी के साथ. दिन भर आज बाहर ही रहना, मालूम नहीं क्या क्या करना है. बट एनी वे, वॉट एवर डू इन्जॉय. ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. तो फाइनली शांभवी को ड्रॉप कर दी हूँ यहाँ पे. कथक का रियाज है, अभी 11:13 हो गए. तो आलोक गए अंदर, थोड़ा कंजेस्टेड है ये एरिया पूरा, काफी ओल्ड सिटी है. तो यहाँ पे मैं कार से अभी उतर नहीं सकती बिकॉज ये पार्किंग नहीं है. तो मैं वेट कर रही हूँ, आलोक आ गए शांभवी को ड्रॉप करके और फिर हम यहाँ से अभी निकलेंगे. तो आलोक, अभी नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा? तो भूख लग गई है यार बहुत तेज. अभी तो हमको चारों तरफ मटन ही मटन दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए खाने. चलो करते हैं कुछ तो, ढूंढते हैं क्या. भूख ही भूख लगी है भाई. चलो फिर यहाँ से अभी निकलते हैं और फिर चलो रोड पे देखते हैं. तो अभी हमने लिया है छोटा सा ब्रेक और मैं पी रही हूँ नारियल पानी. तो फाइनली हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट लंच के लिए और यहाँ पे हमने थाली ऑर्डर किया. अभी आने में टाइम लगेगा. ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे. ट्रेडिशनल टाइप के तो होप कर सकते हैं खाना अच्छा होगा. ये हमारी थाली आ चुकी है, ये कुछ ऐसा दिखता है. मैंने खुद के लिए बस एक भाकरी मंगाई और बस. तो फाइनली हमने खाना कर लिया है खत्म और फिर अभी हम निकलेंगे, देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं. आलोक को बोल रहे थे मैं घर चलता हूँ, लेकिन मेरा मन है मैं इधर ही रुकूँ और थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ. टाइम मिलता नहीं है हम लोग. तो लेट्स सी. सो यहाँ पे कुछ मोदक आइसक्रीम करके एक डेजर्ट है, तो देखते हैं. अभी मोदक आइसक्रीम बोला है यहाँ का कुछ स्पेशल, उन्होंने बताया कि स्पेशल है. तो कैसा टेस्ट है मेरा मन कर गया खाने का. तो लंच के बाद डेजर्ट खाते हैं. आ गई हमारी ये मोदक आइसक्रीम. शांभवी के लिए हमने एक सरप्राइज गिफ्ट लिया है तो उसको अच्छा लगेगा. देखते हैं शांभवी की रिएक्शन कैसी होगी. अभी मैं बैठी हुई हूँ एक एप्पल स्टोर में. आलोक एक मोबाइल देख रहे हैं, तो देखते हैं अभी उनका क्या डिसीजन होता है. एक्चुअली आलोक को काफ़ी टाइम से था फ़ोन लेना, तो मैंने ही रोक के रखा हुआ था. फाइनली अभी परमिशन दे दी मैंने, तो आलोक ने एक सेकंड बिना गवाए ले ली. फाइनली हमारा काम कंप्लीट हुआ और अब हम शांभवी को लेने के लिए जा रहे हैं फटाफट.
ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। आलोक अपने नए फ़ोन के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस फोन। लव यू। एक्चुअली द नेक्स्ट डे, और कल हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे आने के बाद, तो आई कुड नॉट रियली फिल्म अ लॉट। बट हाँ, कल मैं वैसे पूरे टाइम कथक में थी, आई टुक अराउंड 3 आवर्स का रियाज सेशन था, जो बहुत बहुत मजा आया, मतलब पूछो ही मत कितना अच्छा लगा ना इतने दिन के बाद करके। बट कल रियलाइज हो गया कि 3 महीने के ब्रेक में मेरा स्टेमिना जीरो हो चुका है, मतलब लिटरल जीरो। मुझे अभी बहुत वर्क करना पड़ेगा मेरे स्टेमिना पे वापस उसको गेन करने के लिए, तो ठीक है वो करेंगे, धीरे धीरे करके वापस से आएगा वो। बट हाँ, माई मॉम डैड दे गॉट मी गिफ्ट विच इज सो गुड, तो थैंक यू सो मच टू देम। ये देखो, दे गॉट मी अ गिफ्ट फ्रॉम द बॉम्बे स्टोर। दिस स्टोर इज वेरी ब्यूटिफुल, मतलब मैं एक बार कभी तो गई थी, आई डोंट रिमेम्बर कब, बट बहुत सुंदर स्टोर है, उसकी वाइब बड़ी अच्छी है। तो माई डैड गॉट मी दिस बैग, मेरे पापा को पता था कि मेरे कोई बैग है नहीं ऐसे स्लिंग बैग टाइप्स, तो दे गॉट मी दिस, एंड उनका बैग चॉइसिस इज सो गुड। मेरी मम्मी भी जितने बैग्स पहनते हैं वो मेरे पापा ही चूज करते हैं, एंड उनकी चॉइस बैग सेक्शन में बहुत अच्छी है। तो ये एक बैग है, आई डोंट नो ये लेदर बैग है कोई, तो अगर बहुत अच्छा है जो भी है, ये सिमस ब्राउन कलर का है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ स्टोरेज इन हियर, इट हैज द बॉम्बे स्टोर रिटन ऐसे यहाँ पे भी, एंड बहुत ही मस्त बैग है। इन शॉर्ट इट्स अ स्लिंग बैग, तो मुझे काफी यूज में आने वाला है। एंड माई मॉम गॉट मी अ रियली क्यूट गिफ्ट टू, दिस इज अ टाइनी लिटिल भगवद गीता, जस्ट लुक हाउ अडोरेबल दिस थिंग इज, मतलब इसकी साइज देखो पहले, मतलब इज लिटरली दिस स्मॉल एंड इट इज सो अडोरेबल। तो एक तो ये ऐसा है सामने से और पीछे से बहुत सुंदर है, एंड ये देखो जस्ट लुक हाउ प्रिटी दिस इज, और इसके साथ में एक बुक मार्क भी है, ये देखो कितनी क्यूट सी बुक मार्क है इसके साथ, मतलब हर चीज़ इतनी अच्छी है इस बुक की। और इसमें मतलब बेसिकली अगर इसका एक छोटा वर्जन है भगवद गीता का, उसमें उसके सारे श्लोक है एंड उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है और मीनिंग वगैरह है, तो इट्स गोना बी रियली गुड। मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा चालू करेंगे वापस से पढ़ना, तो वो करेंगे। एंड ये देखो, मतलब इसमें जो टेक्स्ट का फॉन्ट है सो ब्यूटिफुली रिटन, तो अगर आप लोग कभी बॉम्बे स्टोर जाते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू टेक दिस, बिकॉज दिस इज ब्यूटिफुल। लाइक अगर आप पढ़ भी नहीं पाओ, तो मतलब ऐसा भी है कि आपको अगर बहुत डीपली नहीं पढ़ना, तो यू कैन ईजिली ग्रास्प थ्रू दिस, एंड दिस इज रियली रियली नाइस। तो हाँ, कल का मैंने तो कुछ व्लॉग नहीं किया, तो मैं आपको एक समरी देती हूँ क्या किया मैंने कल। तो कल हम लोग गए थे कथक रियाज के लिए, तो 3 घंटा रियाज सेशन चला, उसके बाद हमारी मैम हमें लेके गई थी लंच पे, विच वॉज रियली रियली गुड, इतना मस्त लंच था। उसके बाद मैम ने मेरे को फुल घुमाया FC रोड वगैरह, तो I had never been to FC रोड बिफोर, आई नो इट्स वियर्ड, मैं सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैं FC रोड नहीं गई हूँ, बट मैं कल गई थी एंड इट वॉज वेरी फन। मेरी मैम ने मेरे को एक एक कोना खोपचा घुमा दिया उस जगह का, और बहुत ज़्यादा मजा आया। तो ये था मेरा कल का ओवरव्यू ऑफ द डे। तो आज भी आई हैव माई कथक क्लास 8:06, तो अभी इट्स करेंटली 4:40, थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा चिल करूंगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं है मेरे को अभी। तो हाँ, उसके बाद विल गो टू आवर कथक क्लास, फिर देखते हैं आज हम लोग और क्या क्या करेंगे दिन भर। तो या, सी यू आफ्टर सम टाइम। हाई गाइज, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट 6:00 एंड आई एम लीविंग फॉर माई कथक क्लास। दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे, माई ब्लू अनार, इट्स सो विंडी, ओके, इट्स माई ब्लू अनारकली एंड दैट्स इट, आई एम जस्ट वेयरिंग अ जैकेट बिकॉज थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है वहाँ तक। एंड या, दिस इज हाउ माई इवनिंग इज गोना बी टुडे, एंड अभी चलो जल्दी से क्लास जाते हैं, फिर आपको बाद में मिलता है। हे, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और वेलकम और वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत कुछ हम इस तरह से करने वाले हैं, मैं ये पार्सल खोल के दिखाऊंगी, इसको ओपन करके दिखाऊंगी, ये मुझे रिसीव हुआ है अभी, ये मैंने ऑर्डर किया था, तो देखते हैं ये कैसा आया है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये लिबास सूट है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। आजकल ये पैटर्न बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर किया। बट ये कुछ इस तरह का सूट है, इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना अगर आपको चाहिए तो। वैसे मैं साइज S पहनती हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग से साइज ऑर्डर कर सकते हो। लुक वाइज तो
मुझे थोड़ा ओके ही लग रहा है एक्चुअली. कैमरा में अच्छा लग रहा है बट मुझे थोड़ा ओके लग रहा है, तो मैं डिसाइड करूँगी कि मैं इसको रखूँगी या नहीं रखूँगी. तो पहले मैं इसको पहन के दिखाती हूँ, फिर देखती हूँ कैसा है विथ दुपट्टा एंड ट्राउज़र. ये ट्राउज़र भी इसके साथ आई है और ये इसका मैचिंग दुपट्टा भी है, तो मैं ट्राई करती हूँ फिर दिखाती हूँ. एक्चुअली गाइज मैंने सोचा मैं बाहर शूट करती हूँ, थोड़ा व्यू अच्छा आएगा, बट ये इतनी तेज़ हवा है कि मैं यहाँ पे शायद शूट ना कर पाऊँ, तो हम अंदर चलते हैं और मैं पूरी ड्रेस भी दिखाती हूँ. तो फाइनली ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है, ये नेक लाइन, ये 3/4 स्लीव गोटा पत्ती की वर्क है और पूरा दुपट्टे में भी गोटा पत्ती की वर्क की हुई है, बॉर्डर डाला है, अच्छा लग रहा है. किसी के भी साथ पहन सकते हो, कोल्हापुरी चप्पल ट्रेडिशनल, ऐसे आपको पूरा लुक चाहिए तो कोल्हापुरी चप्पल के साथ मोजरी के साथ पहनोगे बहुत अच्छी दिखेगी. तो फाइनली मैं सोच रही हूँ कि ये मैं रख लेती हूँ पिंक कलर. वैसे मैंने ये वुमेंस डे के लिए मंगाया था लेकिन ये काफ़ी लेट पहुंची है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी आई है ड्रेस तो मैं रख लेती हूँ. सो गाइज फाइनली अभी मैं आ चुकी हूँ शाम्भवी को यहाँ से पिकअप करने के लिए, कथक क्लास उसका स्टार्ट है. अभी टाइम हो रहा है 8:00, वैसे 7:50 तक ख़त्म हो जाती है क्लास, लेकिन आज एक्चुअली टीचर लेट आई तो इसकी वजह से क्लास थोड़ा लेट चल रहा है. तो बस मैं वॉक कर रही हूँ और साथ साथ शाम्भवी का वेट भी कर रही हूँ, आएगी तो फिर मैं उसको लेके फिर घर जाऊँगी. क्लास स्टार्ट है, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की. यहाँ पे इनकी रियाज चल रही है, डिनर तो मैंने खा लिया है बिकॉज डिनर के बाद थोड़ी वॉक जरूरी होती है. 7:00, 7:30 तक डिनर खा लेती हूँ. अभी क्लास तो ओवर हो गई है लेकिन ये लोग गप्पे मार रहे हैं और यहाँ पे ये स्केट्स रिंग बनी हुई है. अभी तो डार्क है तो ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना दिखा पा रही हूँ उतना ही दिख पाएगा अभी तो. यहाँ पे ये बैडमिंटन खेलने के लिए ये लाइट्स वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे ये छोटी सी पार्क है और यहाँ पे ये स्विमिंग पूल. तो ये मैंने दिया छोटा सा टूर, ये बेटू आ गई. हाँ, फाइनली क्लास हो गई खत्म. लास्ट टाइम अच्छा हुआ जी, मेरे को बहुत कुछ सीखना है, मैं 3 महीने में काफ़ी कुछ मिस हो गया. हाँ नहीं तो फिर टाइम दे करके सीख लो. हाँ मतलब एक पूरा ताल मिस हो गया मेरा. हाँ मुझे लगा नहीं हुआ लेकिन आज देखने बैठे तो पूरा एक मिस हुआ. हम्म, करना पड़ेगा. हाँ और वैसे मैं प्लान कर रही हूँ एक दिन स्विमिंग आने का. हाँ चल आते ना. ठीक है अभी एग्जाम भी खत्म हो गई तो अपन दोनों आएंगे स्विमिंग के लिए. आते हैं. और यहाँ पे ये डेकोरेशन के लिए, ये ना जब मैं मतलब छोटी थी, थोड़ी और ज़्यादा ही छोटी थी, तब इस पर यहाँ पे देख लो ये वाइट कलर का हर एक मूर्ति पे ना वाइट टीका है, ये हम लोग ने लगाया था. रात में नहीं दिख रहा होगा, मैं कभी सुबह में दिखाऊंगी. हाँ, हर इस मूर्ति पे ना एक वाइट टीका है, वो हमने लगाया था. और ये संभव अभी तक है सही धोते नहीं. नहीं तो किस चीज से लगाया था? पेंट से लगाया था? नहीं से लगाया था, कैरम बोर्ड पाउडर. नहीं नहीं तो फिर वो उस मूर्ति में ही ना उसमें डाला हुआ है वो टीका. उसमें नहीं डाला हुआ था स्टार्टिंग में, तो था भी नहीं. हम लोग ने नहीं, मुझे तो किसी तो ऐसी चीज से डाला था. हाँ, अच्छी चीज से. तो अच्छी चीज से डाला था इसीलिए वो टीका हुआ था, लेकिन वो मस्त था और सिर्फ पूरा से पूजा पाठ किया था, पत्ता वत्ता वे थोड़ा डरावना था, तो हमें पूजा पाठ करनी चाहिए. सो गाइस अभी डिनर का टाइम है और आज डिनर में बना है राजमा विथ रोटी, नॉट राइस, विथ रोटी. आज का हमारा डिनर. कितना टाइम हो रहा है अभी वैसे? आई थिंक टाइम हो गया 9:15. डिसेंट टाइम है डिनर खाने का, इतने बजे खा लेना चाहिए. हाँ मैंने तो खा लिया है 7:00 की.
मम्मा आजकल फुल डाइट मोड पे है अभी, मतलब ठीक है डोनट्स भी मम्मा खा सकती है लेकिन मम्मा डाइट पे है। मम्मा को डाइट करने नहीं देना, कोई भी अपने पेरेंट्स को डाइट नहीं करने दो। जैसे प्यारे प्यारे होते हैं, उनको डाइट कैसे चलेगा बोलो। हाँ कभी कभी डाइट जरूरी होता है बेटा। नहीं एक्सरसाइज करो, डाइटिंग। ये है मेथी की भाजी। नहीं मेरे को मत दो ना। हाँ तो मैं तुमको नहीं दे रही हूँ, पापा को दे रही हूँ। ओके ये मुझे इतनी पसंद नहीं है, ये पापा को पसंद है। नहीं मुझे भी बहुत पसंद है ये। हाँ इट्स वेरी गुड। हाँ मैं उतना नहीं खाती ये वाला। Let's go.